हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ हम सीखने जा रहे हैं गूगल शीट्स। तो गूगल शीट्स की हमारी ये चौथी क्लास है। इसके पहले की क्लासेस में हमने बात की थी कैसे आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे डेटा को कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे। हमारे पूरी वीडियो सीक्वेंस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फिर मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। मेरे मोबाइल ऐप के स्टोर सेक्शन में सारे वीडियो सीक्वेंस भी मिलते हैं एक्सेल और गूगल शीट से रिलेटेड। मेरे ऐप का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिए। अब बात करते हैं कॉपी पेस्ट। जैसे हमारे सामने जो डेटा है, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, तो इसको कॉपी करके आप कहीं भी ईजिली पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ ही नहीं, आप इसको एक्सेल सीट पे भी ला के पेस्ट कर सकते हो। फिर कभी कभी जब आपका डेटा मर्ज होता है तो एक्सेल सीट पे आने में प्रॉब्लम होती है, बट नॉर्मली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एक्सेल सीट से आप यहाँ कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से वापस एक्सेल सीट पे पेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब पेस्ट करते कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हो तो नॉर्मल जैसे कॉपी पेस्ट होता है वही चीज़ होती है, लेकिन इसमें हमारे पास पेस्ट स्पेशल, जी हाँ, इसके एडिट में आपको पेस्ट स्पेशल दिखेगा। तो पेस्ट स्पेशल में कुछ नई चीज़ है, एक बार उसके बारे में हम जान लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ हम एडिट में आते हैं, तो यहाँ देखिए पेस्ट, यहाँ कॉपी कट कॉपी है ही, यहाँ पेस्ट। पेस्ट नॉर्मल हमने सीखा, हम बात करें पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में आपका यहाँ देखिए पेस्ट वैल्यू ओनली, मतलब कि इसमें आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगा है ऊपर, तो फॉर्मूला नहीं सिर्फ वैल्यू, जैसे कॉपी पेस्ट हम करते हैं उस तरह से हम कॉपी पेस्ट करें कर सके, तो ये आपको दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पेस्ट स्पेस में दूसरा आता है फॉर्मेट ओनली, मतलब तो जब हम पेस्ट करें तो सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट हो, बाकी डेटा बाकी चीज़ें पेस्ट ना हो। सो एडिट में हमारा यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट होगा। उसके अलावा आप चाहते हैं यहाँ पे पेस्ट ऑल एस्पेक्ट बॉल कॉलम, मतलब कि सब कुछ आए, इसकी बॉर्डर ना आए। फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया हमने, और फिर मैं यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ कॉलम की विड्थ। अब कॉलम की विड्थ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट, यहाँ से डिलीट, एफ सेल, यहाँ कॉलम नेम दिखाता है एफ सेल, इसको हमने एफ सेल डिलीट कर दिया। या क्लियर करना चाहो क्लियर भी कर सकते हो। तो यहाँ हम इसको वापस कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी करने से पहले क्या हुआ कि ये बहुत सारा एक्स्ट्रा डेटा है, तो मैं डबल क्लिक किया, जैसे एक्सेल में लोग डबल क्लिक करते हैं ऐसे यहाँ भी हमने डबल क्लिक किया, तो ये ऑटो फिट हो गया। तो ऑटो फिट होने के बाद क्या हुआ कि कॉलम का साइज छोटा हो गया, जितना साइज है उतना हो गया। लेकिन जब इसको कॉपी करके आप कहीं पेस्ट करेंगे तो जैसा साइज है सेम साइज पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट साइज को पेस्ट नहीं करता है। आपको साइज भी चाहिए तो आपको जाना है पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे कॉलम विड्थ ओनली, यहाँ पे सिर्फ कॉलम का विड्थ पेस्ट होगा, डेटा पेस्ट नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो डेटा के लिए नॉर्मल, फिर यहाँ पे पेस्ट वैल्यू या पेस्ट फॉर्मेट या नॉर्मल पेस्ट करेंगे तो फिर आपका डेटा आएगा। ये सेम शीट अनदर फाइल सब पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट फॉर्मूला ओनली, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होगा, डेटा वैलिडेशन पेस्ट होगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग पेस्ट होगा, या पेस्ट हम ट्रांसपोज करेंगे। जी हाँ, ट्रांसपोज मतलब कि वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, इसका यूज हम करते हैं। इसमें शॉर्टकट भी है, कंट्रोल शिफ्ट वी करते हैं तो पेस्ट एज ए वैल्यू होगा, अगर कंट्रोल अल्ट वी करते हैं तो पेस्ट एज ए फॉर्मेट होगा। तो ज़्यादातर हम वैल्यू का यूज करते हैं, फॉर्मूला हम कभी कभी करते हैं, बाकी चीज़ों की जरूरत तो पड़ती नहीं है उतनी, इसका यूज हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं कि डेटा हम एक्सेल से यहाँ पे जो कॉपी करते हैं, तो अगर हम एक्सेल से डेटा कॉपी करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आते हैं। जब एक्सेल में हमारे पास ये डेटा है, हमने इस डेटा को कॉपी किया और वापस हम यहाँ पे आते हैं पेस्ट में, तो यहाँ भी आपको सेम सारे वही ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको नॉर्मल कॉपी पेस्ट में मिलता है, और सेम ऑप्शन यहाँ ही मिल रहा है, इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं है। लेकिन अगर आप गूगल शीट से कॉपी किया और वापस आप एक्सेल शीट पे जाते हैं तो वहाँ पेस्ट स्पेशल अलग है,
यहाँ पेस्ट स्पेशल आपको एक्सेल वाली पेस्ट स्पेशल नहीं मिलेगा, इसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। एक्सेल से डेटा आप वापस गूगल सीट पे ले जा सकते हैं, बट गूगल सीट से डेटा जब एक्सेल पे लाते हैं तो आपको पेस्ट में वो जो इसकी एक्सेल की जो पेस्ट होती है, जो चीज़ें होती हैं पेस्ट स्पेशल, वो चीज़ें नहीं मिलती। जैसे कि एक्सेल पे आपने देखिए हमारे पास सर इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं पेस्ट स्पेशल के, सो वहाँ पे नहीं मिलते हैं। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ एडिट हमारा पेस्ट हो गया यहाँ पे, तो पेस्ट यहाँ पे होता है हमारा। तो पेस्ट में इतना ही, अगली क्लास में हम इससे आगे की चीज़ों पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। बने रहें मेरे चैनल्स पे, सब मेरे ऐप पे, और मेरा ऐप और चैनल को यूज करते रहें, और साथ में सारी रिकॉर्डिंग से सारी प्रैक्टिस की फाइल भी मुझसे ले सकते हैं, और मेरे साथ सपोर्ट पे भी आ सकते हैं। आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस पर मुझे फटाफट कॉल कीजिए। थैंक यू।